हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसकेल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब यूट्यूब चैनल के एक न्यू और प्रेस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही मजेदार सर्किट बना के दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, ये सर्किट होने वाला है एक बार्ड साउंड सर्किट। और इस सर्किट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी आईसी वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया हूँ, सिर्फ दो ट्रांजिस्टर यूज किया हूँ जिसका प्राइस है 2-2 करके 4 रुपए। ठीक है, ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। तो मैं जब बनाऊंगा तो आपको सब कुछ एकदम डिटेल्स में बता दूंगा, आप बहुत इजीली इसको घर पे बना सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको एक बार चला के दिखाऊंगा और फिर इसको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस स्विच को ऑन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कितना एकदम बहुत ही अच्छा साउंड निकल रहा है यहां से, एकदम बार्स का जैसा साउंड निकल रहा है। सुन सकते हो फ्रेंड्स आप यहां पर कितना अच्छा साउंड निकल रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा। यहाँ पर एकदम स्पीकर का ही कनेक्शन है और यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये BC547 है और ये BC557 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रहा आईसी वगैरह। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं सबसे अच्छा एक बात बता दूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये एकदम मतलब बार्स के जैसा साउंड नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसको आप जब घर पर बनाओगे ना फिर आपको पता चलेगा ये कैसा साउंड निकल रहा है। मैं आपको ऐसे समझा नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इसको कैसे बनाना है देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस सर्किट को बनाने के लिए हमें एक BC547 ट्रांजिस्टर का जरूरत पड़ेगा। ये आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक BC557 ट्रांजिस्टर का जरूरत पड़ेगा और ये भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा बहुत इजीली। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पर एक 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया हूँ, ये भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 220 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 104 PF ले लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक 470 ओम रजिस्टर ले लिया हूँ, ये आपको पुराना सर्किट से मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर ले लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 200K का रजिस्टर ले लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पर एक पुश स्विच ले लिया हूँ, इस पुश स्विच को आप यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं पर एक स्पीकर ले लिया हूँ जिसका जो है 4 ओम 15 वाट का, आप चाहे तो कोई भी स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं छोटा छोटा दो वायर सोल्डर करके रखा था ताकि मैं इसको सर्किट में लगा सकूँ बहुत ईजीली। ठीक है, आप चाहे तो फ्रेंड्स ऐसा स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि छोटा छोटा वो ब्लूटूथ स्पीकर के साथ आता है। तो फ्रेंड्स चलिए सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो BC547 ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर को क्लिप के साथ लगा लिया हूँ और यहाँ पर मैं एक छोटा सा जम्पर वायर लेके ट्रांजिस्टर की 1 नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर BC557 ट्रांजिस्टर ले लिया हूँ और इस BC557 ट्रांजिस्टर की बीच वाले पिन के साथ इस जम्पर वायर को सोल्डर कर दिया। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखते रहिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर BC547 और BC557। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 1K का रजिस्टर ले लिया हूँ और इस 1K के रजिस्टर को मैं BC547 की बेस के साथ कनेक्ट कर दिया बीच वाले पिन के साथ। और यहाँ पर मैं 104 PF को भी लगा दिया रजिस्टर के साथ और ट्रांजिस्टर की 1 नंबर पिन के साथ BC557 ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक जो वायर का टुकड़ा होता है ना उस टुकड़े से मैं कवर को ले लिया हूँ और कवर को मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ 470 ओम रजिस्टर के साथ ताकि ये शॉर्ट ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जम्पर करूँगा इसको तो इसलिए ये शॉर्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा एक कवर लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसको 1K रजिस्टर के साथ और 104 PF के एकदम बीच के साथ सोल्डर कर दिया। अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले लिया हूँ और इस 220 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पिन को मैं 470 ओम रजिस्टर की दूसरे पिन के साथ सोल्डर कर दिया। तो ये सोल्डर हो गया। अभी फ्रेंड्स मैं और एक वायर का टुकड़ा लेके यहाँ पर 100K की रजिस्टर की एक सिरे के साथ लगा दिया हूँ, क्योंकि मैं इसको भी एकदम जम्पर करूँगा तो इसलिए ऐसा मैंने कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर की बेस के साथ 100 किलो ओम रजिस्टर को लगा दिया। और फ्रेंड्स आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो
पिन है, जो वायर आ रहा है यहाँ पर जो रजिस्टर का, ये शॉर्ट ना होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं और एक 100K का रजिस्टर ले लिया हूँ और इस 100K की रजिस्टर को मैं BC557 ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन के साथ सोलर कर रहा हूँ। तो मैं सोलर कर दिया और फ्रेंड्स जो 100K की दूसरी पिन है, दूसरे सिरा है, उसको मैं दूसरा 100K के रजिस्टर के साथ सोलर कर दिया। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, BC557 ट्रांजिस्टर की बेस के साथ सोलर कर दिया। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर और एक छोटा सा जंपर वायर ले लिया हूँ जो कि कॉपर का वायर है और अभी मैं इसको BC547 ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन के साथ सोलर कर दिया, जो कि इसका इमिटर है, इसको मैं सोलर कर दिया। और फ्रेंड्स जो इसका जंपर वायर का दूसरे सिरे को मैं जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ सोलर कर दिया। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ले लिया हूँ और इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को फ्रेंड्स मैं यहाँ पर BC557 ट्रांजिस्टर की थर्ड पिन के साथ सोलर कर रहा हूँ, मतलब इमिटर के साथ। और फ्रेंड्स जो नेगेटिव है, नेगेटिव को मैं यहाँ पर जो 220 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ सोलर कर दिया। तो फ्रेंड्स हमारा सर्किट एकदम कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ कनेक्शन बाकी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 4 ओम का जो स्पीकर है, स्पीकर को मैं ले लिया हूँ और इस स्पीकर का जो पॉजिटिव, मैं दो वायर को ले लेता हूँ पहले, तो ले लिया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो यहाँ पर दो वायर में सोलर करके रखा था, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स जो नेगेटिव का वायर है, मतलब जो ग्राउंड होगा हमारा स्पीकर का, उस स्पीकर की माइनस को मैं यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर की नेगेटिव थर्ड पिन के साथ सोलर कर दिया। ये मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ और फ्रेंड्स जो स्पीकर का पॉजिटिव है, पॉजिटिव पिन को मैं यहाँ पर जो BC557 ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन के साथ सोल्डर कर दिया, मतलब कलेक्टर के साथ। तो यहाँ पर हमारा स्पीकर का कनेक्शन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्पीकर के साथ कनेक्शन हो चुका है। आप अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो इसको। फ्रेंड्स यहाँ पर सर्किट डायग्राम दे दिया हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पुश स्विच ले लिया हूँ और इस पुश स्विच को मैं यहाँ पर क्लिप के साथ लगा लेता हूँ ताकि मुझे सोल्डरिंग करने में आसानी हो। फ्रेंड्स मैं इसको लगा दिया और मैं यहाँ पर एक छोटा सा जंपर वायर ले लिया हूँ और इस जंपर वायर को मैं यहाँ पर स्विच के साथ सोल्डर कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। एक पिन के साथ मैं छोटा सा जंपर वायर सोल्डर कर दिया और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक 9 वोल्ट बैटरी का जो कैप होता है, वो एक कैप ले लिया हूँ और मैं अभी इसको सोल्डर करूँगा स्विच के साथ। तो मैं यहाँ पर स्विच को लगा देता हूँ और एक बार यहाँ पर क्लिप के साथ लगा देता हूँ ताकि सोल्डरिंग करने में मुझे आसानी हो। तो मैं इसको लगा दिया हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर जो बैटरी से आ रहा है, ठीक है, बैटरी से जो आ रहा है पॉजिटिव, मतलब जो कैप से पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव को मैं यहाँ पर सोलर कर रहा हूँ स्विच के साथ। आप भी सेम टू सेम ऐसा ही करना अगर आप स्विच लगाना चाहते हो तो, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सोलर कर दिया। तो अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यह कैसा है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कैप के साथ एक स्विच लगा दिया, सिर्फ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो स्विच से जो आ रहा है वायर ना, स्विच से जो पॉजिटिव आ रहा है हमारा बैटरी से, उसको मैं यहाँ पर सेकंड ट्रांजिस्टर मतलब BC557 की थर्ड पिन के साथ सोल्डर कर दिया। मतलब आप एक चीज़ समझ लेना कि जो बड़ा वाला कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैरड, उसका पॉजिटिव हमारा बैटरी का पॉजिटिव होगा और उसका नेगेटिव हमारा बैटरी का नेगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो कैप से नेगेटिव आ रहा है बैटरी का, उसको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ 1000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ। तो फ्रेंड्स मैं इसको लगा दिया। अभी हमारा पूरा सर्किट एकदम कंप्लीट हो चुका है, एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी इसको मैं टेस्ट करके अभी दिखाऊंगा आपको कि ये काम करता है या नहीं, ये आप एक बार देख लीजिए सर्किट को। तो चलिए फ्रेंड्स टेस्ट कर लेते हैं सर्किट को। तो मैं यहाँ पर 9 वोल्ट का एक बैटरी ले लिया हूँ जो कि सिंपल बैटरी है, ये तो मार्केट में मिल जाता है बहुत इजीली 20 रुपये में। तो मैं इसको लगा दिया फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैं स्विच ऑन करने के बाद ही चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग लिखेगा कमेंट पर जाकर कि यह वीडियो फेक है,
लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चैनल पर मैं कभी भी फेक वीडियो अपलोड ही नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सी 547 ट्रांजिस्टर है और इधर है बी सी 557, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ट्रस्ट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लाता रहता हूँ। आप YouTube पर सर्च करके देख लीजिए, बार्ड साउंड का सर्किट है ही नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको। सर्च करके आप देख लीजिए डीसी बार्ड साउंड सर्किट, डीसी पर जो चलता है आपको नहीं मिलेगा, देख लेना। और फिर इसको बनाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको चला के आपको दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। तो अभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सर्किट कितना अच्छा काम कर रहा है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसको घर पे एक बार बना के ज़रूर देखना। क्योंकि मैं पर तो कुछ मतलब ऐसा कंपोनेंट यूज़ नहीं किया ना जो कि मतलब मार्केट में नहीं मिलता, ये बहुत इजीली मिल जाता है, आपका घर पर भी मिल जा सकता है, देख लेना अच्छे से। तो इसको घर पर ज़रूर बनाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप डोरबेल या अलार्म सर्किट पर लगा सकते हो और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 9 वोल्ट का बैटरी है ये। तो मैं आपको यहाँ पर 3.7 वोल्ट का एक बैटरी से एक बार चला के दिखाता हूँ कि यह 3.7 वोल्ट का बैटरी से भी चलता है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मेरा भी यहाँ पर जो 3.7 वोल्ट का जो बैटरी है ना, वो बैटरी उतना मतलब पावरफुल नहीं है, क्योंकि अभी पावर मतलब चार्ज नहीं किया मैंने बहुत दिनों से इसको। तो मैं इसको माइनस पे माइनस लगा दिया और प्लस यार प्रॉब्लम कर दे रहा था, मैं अभी उल्टा सीधा कर दे रहा था। तो माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस मैं इसको दे दिया। अभी मैं यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ। तो ये मैं स्विच को ऑन कर दिया, अभी इसको ठीक कर देता हूँ। तो ये आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसको फिर से लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।